नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। शनिवार जेडीयू और बीजेपी ने एमएलसी सीटों के बंटवारे का ऐलान क्या किया, संकट एनडीए की समीकरण पर उठने लगे, क्योंकि इस समीकरण में शामिल विकासशील इंसान पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले अपने दम पर विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी। और तो और, मुकेश सहनी ने एनडीए को सिर्फ दो दलों का गठबंधन करार दिया। तो क्या बिहार एनडीए का समीकरण बदलने वाला है? क्या राजनीति में कोई खेला होने वाला है? एमएलसी सीट बंटवारे के बाद बागी बने सहनी, कहा एनडीए में चार नहीं सिर्फ दो पार्टियां बची। सहनी को बीजेपी ने दिए अकेले लड़ने की चुनौती। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है। जेडीयू और बीजेपी ने एमएलसी सीटों को लेकर गुड़ागड़ित क्या बनाया? नाव लेकर सियासत में निकले सहनी के तेवर बदल गए। नाव की पाल खींचकर एनडीए की धारा से बगावत को उतारू हो गए और ऐलान कर दिया कि सियासत की नदी में वो अकेले ही नाव चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपने आप में बड़ी पार्टी है। गठबंधन तब करता जब अपने आप को कमजोर महसूस करता है। 24 सीट पे हम अकेले अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सहनी यही नहीं रुके, वो तो एनडीए के सियासी समीकरण पर सवाल उठा गए। दावा कर दिया कि एनडीए में चार नहीं दो दलों का गठबंधन है। तो क्या बागी सहनी बगावत को लेकर गठबंधन छोड़ेंगे? ये चुनौती बीजेपी ने दी है, लेकिन जेडीयू समझने समझाने की बात कह रही है। उनको रोका किसने 24 सीट पर लड़ने से? कोई पैर धर के बांधे हुए है? सबको लोकतंत्र में फ्रीडम है, उनको भी फ्रीडम है। राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है, ये इतिहास बताता है, इसलिए इस पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उधर एनडीए में मचे घमासान पर कांग्रेस और आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी की माने एनडीए में सहनी की नाव डुबाने की तैयारी चल रही है, तो कांग्रेस की सलाह को नाव लेकर सहनी आगे निकल जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही है, दमनकारी भी है। ये बातें पहले भी समझनी चाहिए थी आदरणीय मुकेश सहनी जी को। हम तो माननीय मुकेश सहनी जी से यही कहेंगे कि हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं और आप आइए, कांग्रेस में आपका स्वागत है। उधर सहनी की तरह मांझी के हाथ भी कुछ नहीं लगा, लेकिन मांझी के तेवर अभी ठंडे हैं और सहनी को भी संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की माने तो एनडीए में सब ठीक है, कहीं कोई नहीं जाने वाला है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए में ऑल इज वेल है। सहनी ने जिस तरह से बागी तेवर अख्तियार किए उससे मुश्किल एनडीए की होगी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से सहनी को चुनौती दे रही है उससे सियासी खेल का दूसरा पहलू नजर आ रहा है। तो क्या सहनी की बगावत को मैनेज करने की तैयारी है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमएलसी चुनाव ने